कुरुक्षेत्र में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT के नए निदेशक के रूप में डॉक्टर BV रमना रेड्डी ने अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने डॉक्टर सतीश कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद नए निदेशक के रूप में अपना पदभार संभाला है। डॉक्टर सतीश कुमार 5 अक्टूबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। 5 अक्टूबर से NIT के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश स्वरूप ने एक्टिव निदेशक के रूप में कार्य किया है। डॉक्टर रेड्डी अब 5 साल तक निदेशक के पद पर कार्यरत रहेंगे। आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर उन्होंने अपना पदभार संभाला। इससे पहले वे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। डॉक्टर रेड्डी GGSIP विश्वविद्यालय में केंद्रीकृत कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल के अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक GGSIPU NSS सेल के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत थे। डॉक्टर रेड्डी ने अपना कैरियर 1991 में उस समय शुरू किया था जब वे कुरुक्षेत्र में स्थित रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज आज के NIT में लेक्चरर के रूप में पहली बार कार्यरत हुए थे। लगभग 4.5 साल तक पढ़ाने के बाद वे यहां से NIT हमीरपुर चले गए थे। वहां के बाद वे इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली में नियुक्त हुए और इस विश्वविद्यालय में वे समय समय पर कई पदों पर रहे और आज उन्होंने कुरुक्षेत्र के NIT के 11वें निदेशक के रूप में अपना पदभार संभाल लिया है। वे पिछले 33 वर्षों से भी अधिक वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी कंप्यूटर संचार नेटवर्क ऑप्टिकल और माइक्रोवेव डिवाइसेस मोबाइल कंप्यूटिंग IoT और VLSI में दक्षता और रुचि रखते हैं। उनका एक शिक्षक और शोधकर्ता में उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड है। उनका ICT के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी प्रशासनिक कौशलता है। उनके वर्तमान अनुसंधान हितों में वायरलेस संचार शामिल है। उनके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 110 से अधिक प्रकाशन है। वे 13 PhD करवा चुके हैं। वर्तमान में 4 विद्वानों को PhD करवा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर IEEE, CSI, IEM-CIEI, AICTE, UGC, NEC, TEQ, IP तथा NIC जैसी कई संस्थाओं की समितियों के सदस्य हैं। वे कई विदेशी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक क्षेत्र के में काम करने के लिए जा चुके हैं। वर्तमान में वे राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के अनुरूप शैक्षिक सुधारों और मूल्य आधारित शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। देश में व्यावसायिक शिक्षा में योगदान करते हुए वे अगली पीढ़ी के बच्चों को समग्र विकास और विकास में दृढ़ता में विश्वास रखते हैं। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हुए वे सकारात्मक रूप से काम करने में विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि यदि बच्चों का समग्र विकास किया जाए तो देश और अधिक बुलंदियों को छू सकता है। उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान बच्चों का शिक्षा प्राप्त करने में लगभग 50% नुकसान होने की बातचीत करते हुए उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि NIT कुरुक्षेत्र में अधिक से अधिक समय रेगुलर ऑफलाइन पढ़ाई करवाई जाए। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि यदि वे दिल्ली की बात करें तो वहाँ के बच्चों ने कोविड के दौरान ऑनलाइन काम करते हुए भी पहले से अधिक नौकरियां प्राप्त की हैं। उन्होंने बताया कि वे यहाँ भी बच्चों को अधिक से अधिक और बड़ी से बड़ी नौकरियां दिलवाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने के साथ साथ संस्थान में NSS को बढ़ावा देते हुए स्थानीय लोगों से भी तालमेल बढ़ाएंगे। गाँवों में नई योजनाओं पर काम करेंगे। दीक्षांत में दीक्षांत समारोह को प्राथमिकता दी जाएगी। संस्थान में दीक्षांत समारोह को प्राथमिकता दी जाएगी। मानसिक रूप से भी बच्चों को शक्तिशाली बनाने का काम किया जाएगा। नई शिक्षा नीति को प्राथमिक स्तर पर ही पढ़ाए जाने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि चुनौतियों को स्वीकार करते हुए नई पीढ़ियों को तैयार किया जाएगा। बच्चों को पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आगे ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यकाल में संस्थान को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चाइल्ड मानसिक रूप से स्ट्रांग बने, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। नहीं तो बच्चे अच्छे से पढ़ जाते हैं लेकिन छोटी सी भी समस्या आती है तो उसको समाधान नहीं ढूंढ पाते। जैसे अगर हमारी परवरिश ऐसी नहीं हुई होती तो शायद आज मैं कुरुक्षेत्र में ऐसी बातें करता नहीं। टोटली थ्योरेटिकल है, जो हमें मिला है अगर हम हमारे बच्चों को नहीं देंगे तो ये बड़ी भूल हमसे होगी और गलती भी कहा जा सकता है। तो ये देना जरूरी है। 20-30 साल का जो मेरा तजुर्बा है वो ये कहता है कि हम धीरे धीरे जो है उस लाइन से हट रहे हैं। यही बातें आपके एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है और 2-3 साल से हम एजुकेशन पॉलिसी की जो डॉक्यूमेंट्स पे उसमें भी काम कर रहे थे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।